से चांद के गए हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। कल आपने देखा मैच में कितना कमोन नेपाल 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 करके वो कह रहे थे, आज ऐसी चांदे से पहुंच गए हैं, नेपाल ने भी ले जाना है। इंशाल्लाह कल का जो मैच है ऐसे जीतेंगे कि इंडिया को लक पता जाएगा, इंडिया लोग कम पे टांग जाएंगे बस। वो ये पोस्टर भी वहाँ लेकर आएगा कि अच्छा। चांद पे पहुंच गए, तुम हले होते ही हो। तो आप क्या कहते हैं कि कल पाकिस्तान इंडिया को चांद से ग्राउंड पे ले आएगा? कितना टारगेट पाकिस्तान की टीम इंडिया वालों को दे सकती है? तकरीबन 550 तक मुझे इतना लगता है, क्योंकि कौन सा उनका प्लेयर जो है वो हमारे बॉलर्स को मुश्किल में डाले। देखिए एक से लेकर आठ तक उनकी बैटिंग लाइन है, कभी भी नहीं इंडिया तोड़ सकता पाकिस्तान की बॉलिंग। तो मेरा तो यही है कि बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान सबसे ऊपर है। वसीम शाह इंशाल्लाह जब बॉलिंग करेगा तो फिर उनको तुन के रखेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाजर रियाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जी पाकिस्तान। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कल पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, उसी सिलसिले में आज हम लोगों से कमेंट्स लेंगे कि ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा और किसको कल फेंटी लगने जा रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि हर बार एंड पे आके ऐसा मैच विन करती है जो कि पूरी अर्थ पे पता चलता है कि पाकिस्तान ने मैच विन किया है। इंशाल्लाह कल भी ऐसा ही होगा और नसीम शाह जो एंड पे आके जो हमेशा ऐसे करते हैं कि मैच विन करवा देते हैं, इंशाल्लाह कल वो फर्स्ट टाइम में ऐसी बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी होगी। और बात रही बाबर आजम की, तो बाबर आजम इंशाल्लाह कल 200 पक्का करेंगे। इंशाल्लाह कल का जो मैच है ऐसे जीतेंगे कि इंडिया को लक पता जाएगा, इंडिया लोग कम पे टांग जाएंगे बस। कल इंडिया वालों भाई का कहना है कल आपकी कम पे टांगने वाली है, जरा तैयार होके आना भाई, ये चांद पे जाना आसान है, पाकिस्तान के साथ पंगा लेना जरा मुश्किल है। पाकिस्तान से मैच विन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जी, क्या बात है। तो अगर कल इंडिया जीत जाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पाकिस्तान है वहाँ पे हमारे अल्लाह ताला जिनकी दुआएं और इंसान की जो दुआएं हैं वही लगती हैं। ठीक है, जो इंडिया है वहाँ पे तो भूत भरे रहा, उनकी दुआएं कैसे लगेंगी? हमारे जो नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त की, हर कोई नमाज पढ़ के दुआ करता है अपने पाकिस्तान के लिए, हमारी जो टीम है वो विन करे। तो इंशाल्लाह कल भी हमारी दुआओं के साथ हमारी पाकिस्तान की टीम विन होगी। ठीक हो गया जी। इंडिया वालों को कोई मैसेज देना चाहें आप? कोई बस ये कल आपकी खैर नहीं है, क्योंकि कल जो बाबर आजम आ रहा है वो आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे कल उसने टारगेट दिया ऐसे वो आज भी देंगे, कल भी देंगे इंशाल्लाह। इतना अच्छा मैच खेलेंगे कि आपको लग पता जाएगा इंडिया वालों। इतने गुस्से में क्यों है? ये कि बस इंडिया के सख्त खिलाफ हूँ। कुछ ऐसी वीडियो में भी यूट्यूब पे देखता हूँ, ट्विटर को वीडियो देखता रहता हूँ जो कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा, जब से ये चांद के गए हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। रोज नई से नई वीडियो देखने को मिलती है पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए इनके खिलाफ हूँ मैं इंडिया के। अच्छा, कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, मैं आपसे पूछूंगा कितना टारगेट पाकिस्तान को करना चाहिए जो इस मैच जीत सकता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। उसका एडवांटेज ये होगा कि पाकिस्तान अगर 300 प्लस पे पहले पहले भी उन्हें आउट कर दे, ठीक है, तो पाकिस्तान चेस कर सकते। ये तो टर्न जोन है, क्योंकि इंडिया जो है वो ये पोस्टर भी वहाँ लेकर आएगा कि आप चांद पे पहुंच गए, तुम हले होते ही हो। तो आप क्या कहते हैं कि कल पाकिस्तान इंडिया को चांद से ग्राउंड पे ले आएगा? मैं तो यही कहता हूं कि देखिए जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, वही जीतेगा। अब आप देखेंगे मीडिया इंडिया का किस तरह उछलता है, इतना उछल रहा होता है कि वो तो इस टाइम भी नाच रहे हैं। वो कल आपने देखा मैच में कितना कमोन नेपाल 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 करके वो कह रहे थे आज ऐसी चांद पे पहुंच गए हैं, नेपाल में भी ले जाना है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी और हमेशा खाते हैं। ऐसे जो फेवरेट है वो कौन सा खिलाड़ी है बैटिंग में? मेरा तो सिर्फ बाबर आजम ही है। और इंडिया से? इंडिया से किसी को भी नहीं सपोर्ट, किसी को भी नहीं, बॉलर कोई भी तो होता है, किसी को भी नहीं, सिर्फ बाबर आजम को सपोर्ट करता हूं। अच्छा, और बॉलर पाकिस्तानी? पाकिस्तानी किसी बॉलर के बैटिंग में सिर्फ मैं बैटिंग सपोर्ट करता हूं, बाबर आजम के फैन है। जिनके उसकी क्या वजह है? बस उनकी ये स्कोर की वजह जो है, छक्के छक्के मारते हैं जो हर बार सेंचुरी करके जाते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह कल का उनका पक्का टारगेट 200 का होगा। कल तो यार इफ्तिखार अहमद ने बड़ा अच्छा खेला है, उनकी खैर है, पर मेरे तो बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अच्छा जी, कितना टारगेट होना चाहिए पाकिस्तान की टीम का कि वो इजी जीत सके? टारगेट जितना भी हो, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो, बस इंशाल्लाह इतना करेंगे जो पाकिस्तान को विन करा दे, ज्यादा से ज्यादा 300 कर लें या 350 कर लें, जितना भी करने के बाद जो पाकिस्तान के लिए सही हो, जो इंडिया करने के लिए ना काफी हो, बस इतना स्कोर करेंगे जो पाकिस्तान को विन करा दें बस। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को बैटिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि बॉलिंग पे? नहीं, उन्हें बॉलिंग पे करना चाहिए। एक सिर्फ हमारी टीम में ये नसीम शाह है जिसकी बॉलिंग अच्छी है, बाकी किसी की भी इतनी अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, तो क्या पाकिस्तान को टॉस जीत का पहले बैटिंग करनी चाहिए कि बॉलिंग? बॉलिंग करनी चाहिए। क्या आप कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर कौन करेगा? बाबर आजम मुझे लगता है, बाबर आजम, क्योंकि उसने कल नेपाल के खिलाफ जो किया। जी जी, वैसे ही। कल का मैच कैसा था? बहुत अच्छा गया, मजा आया जी। ऐसे बिल्कुल इंडिया के साथ ही होगा। अच्छा, कितना टारगेट पाकिस्तान की टीम इंडिया वालों को दे सकती है? तकरीबन
550 तक मुझे इतना लगता है, क्योंकि कल 300 कुछ रन हुआ था, 341 रन, हाँ इतना ही हुआ था, 341-42 थे, इंशाल्लाह इस दफा 400 तक चला जाएगा भाई जान। श्रीलंका में मैच हो रहा है, वो कोई नहीं, वो तो मुल्तान में कल हुआ ना, कोई नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया वाले भी तो मैच खेलने आ रहे हैं ना, लेकिन मैं वही बात आपको, बड़े जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी, मैंने आपको वही बात दी थी, जो अच्छा खेलेगा कौन सा उनका प्लेयर जो है वो हमारे बॉलर्स को मुश्किल में डाले। देखिए एक से लेकर आठ तक उनकी बैटिंग लाइन है, क्योंकि केएल राहुल का अभी कोई पता नहीं कि वो टीम में आएगा कि नहीं आएगा। वसीम शाह इंशाल्लाह जब बॉलिंग करेगा तो फिर उनको तुन के रखेगा, बाकी इंशाल्लाह हमारी दुआ है, पाकिस्तान के साथ सपोर्ट है, इंशाल्लाह पाकिस्तान कल जीतेगा। पाकिस्तान आगे पहले बैटिंग करता है, कितना टारगेट उनको देना चाहिए? तकरीबन लगभग 350 टारगेट होना चाहिए, फिर जाके पाकिस्तान जीतेगा। और अगर पहले बॉलिंग करता है तो उनको कितने स्कोर के अंदर अंदर आउट करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना वो हमेशा से ऊपर ही रही है, शोएब अख्तर की जो बॉलिंग थी ना उसने सारे को ताड़े दिखाए हैं, और आया था एक इंडिया का बॉलर जिसने कहा था कि मैं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, लेकिन नहीं तोड़ सका, कभी भी नहीं इंडिया तोड़ सकता पाकिस्तान की बॉलिंग। तो मेरा तो यही है कि बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान सबसे ऊपर है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का रिकॉर्ड दिखाएगा उनको और पाकिस्तान ही जीतेगा। मतलब आपका कहने का ये है कि बेशक इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इसका मैच के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, मैच हम ही जीतेंगे, मैच हम ही जीतेंगे, चांद पे पहुंच गए लेकिन हमने अपने झंडों के पर चांद लगाए हैं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे कल जो पाकिस्तान की टीम है वो इंडिया वालों को कितना टारगेट देना चाहिए, कितना टारगेट दे सकती है? 350 टारगेट होना चाहिए, 350 होना चाहिए, फिर जाके पाकिस्तान जीतेगा। जी बिल्कुल।